वेरी वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। भारती कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर दुर्ग, कोर्स बीएससी एग्रीकल्चर, सेकंड ईयर, फर्स्ट सेमेस्टर स्टूडेंट, सब्जेक्ट ऑन एग्री इन्फॉर्मेटिक्स। माई सेल्फ नीतीश कुमार चंद्राकर, असिस्टेंट प्रोफेसर, कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट। सो टूडेज अवर टॉपिक एमएस वर्ड पेज लेआउट टैब। तो आज हम देखेंगे पेज लेआउट टैब जो है हमारे जो वर्ड डॉक्यूमेंट होते हैं 2007, उसमें क्या क्या फीचर्स होते हैं, क्या क्या फंक्शन होते हैं। तो आज हम पेज लेआउट टैब को देखेंगे। इसमें थीम्स होते हैं। सेकंड, यहाँ पे पेज स्टेटस है, दिख रहा है यहाँ पे पेज स्टेटस होते हैं, पेज बैकग्राउंड होते हैं, पैराग्राफ होते हैं और अरेंज होते हैं। तो ये हमारा एमएस वर्ड का 6 पार्ट है, पार्ट 6 है। इसके पहले मैंने पार्ट 1 टू पार्ट 5 एमएस वर्ड के जितने भी है, होम टैब, इंसर्ट टैब, ये सारे मैंने पहले डिस्कस कर चुका है। तो आप अगर पिछला वीडियो नहीं देखे हैं तो आप जाकर देख सकते हैं। सो आज हम देखेंगे पेज लेआउट। सबसे पहले हम स्टार्ट में जाएंगे, स्टार्ट में क्लिक करेंगे, ऑल प्रोग्राम्स में माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस यहां पर क्लिक करेंगे, देन माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड 2007 पर क्लिक करते हैं। तो ये आपका होम टैब ओपन होता है वर्ड का। यहाँ पर थर्ड नंबर पे है पेज लेआउट। तो पेज लेआउट में सबसे पहला होता है थीम्स। थीम्स में आपके बहुत सारे थीम्स प्रोवाइड किए जाते हैं एमएस वर्ड के द्वारा, जो आप कोई भी थीम्स जो है वो सेलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट होता है कलर। कलर में आप जो भी कलर देना चाहते हैं यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं, कलर दे सकते हैं। फॉन्ट में आप जो भी फॉन्ट देना चाहते हैं, ये इस तरह से आप कैलिब्री सब वो सेट कर सकते हैं। यहाँ से कैलिब्री जो है वो सेट हो गया। इफेक्ट्स भी आप दे सकते हैं, जो भी इफेक्ट देना चाहते हैं, ठीक है। तो ये सब जो है आप अपने डॉक्यूमेंट में दे सकते हैं। उसके बाद आता है पेज सेटअप। पेज सेटअप में सबसे पहला होता है मार्जिन। मार्जिन में क्या होता है, सेलेक्ट द मार्जिन साइज फॉर द एंटायर डॉक्यूमेंट और द डॉक्यूमेंट सेक्शन। तो सबसे पहले क्लिक करेंगे, क्लिक करेंगे तो आपका मार्जिन में नॉर्मल मार्जिन रहेगा 2.54 सेंटीमीटर, टॉप, लेफ्ट, बॉटम, राइट, सभी से इतना मार्जिन रहेगा नॉर्मल। तो जैसे कि हम इस पर क्लिक करते हैं, तो क्लिक करेंगे तो ये जो मार्जिन जो दिख रहा है ये नॉर्मल मार्जिन है। उसके बाद नैरो मार्जिन में क्या होगा, टॉप से 1.27 सेंटीमीटर इस तरह से ये वाला आ जाएगा। तो इसको जैसे सेलेक्ट करेंगे तो देखो यहाँ पर ये वाला जो है वो चेंज हो गया है टॉप मार्जिन, यहाँ से ये लेफ्ट मार्जिन चेंज हो गया है, ठीक है। इधर से भी यहाँ पे चेंज हो गया है। उसी तरह अगर मॉडरेट करेंगे तो टॉप से चेंज हो जाएगा। देखो यहाँ पर पहले यहाँ पर था, अब यहाँ पर आ गया। तो इस तरह से आप मार्जिन सेट कर सकते हैं। ये है मिरर। मिरर में क्या हो जाएगा, जो आपका डॉक्यूमेंट पेज है वो मिरर बन जाएगा। जैसे कि आप सेलेक्ट करेंगे क्लिक तो इसमें क्या है, मिरर बन जाएगा आपका, ठीक है। इसके लिए एक दूसरा मैंने डॉक्यूमेंट है यहाँ पे, तो यहाँ पे जैसे आपने मिरर सेट किया इस तरह से, तो ये क्या है, मिरर बन जाता है। उसी तरह से आप जो भी देना चाहते हैं, जैसे ये हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्या हो रहा है, चेंजेस हो रहा है। यहाँ पे पहले यहाँ पर आओ, यहाँ पर आ गया है कि टॉप जो है इधर इतना चले गया है, ठीक है। तो आप जो चाहे आप इधर सेट कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। नेक्स्ट होता है पेज ओरिएंटेशन। पेज ओरिएंटेशन मीन्स क्या होता है, स्विच द पेजेस बिटवीन पोर्ट्रेट और लैंडस्केप पेज लेआउट, ठीक है। अब जैसे कि हम पेज प्रिंट आउट निकालते हैं, तो प्रिंट आउट निकालते हैं तो उसमें ओरिएंटेशन सेट करते हैं। ओरिएंटेशन में ये पोर्ट्रेट होता है, लैंडस्केप होता है। पोर्ट्रेट मतलब वर्टिकल होता है और लैंडस्केप मतलब हॉरिजॉन्टल होता है, ठीक है। जो हम नॉर्मल जो बुक रहता है
वो पोर्ट्रेट फॉर्म में रहता है, ठीक है, और जो बड़ा बड़ा बैनर जो लगा रहता है वो लैंडस्केप फॉर्मेट में निकलता है। तो अब पोर्ट्रेट का ये सपोज प्रिंट के ऑप्शन में गया, तो प्रिंट के ऑप्शन में पेज का जैसे कि प्रीव्यू देखना है, ठीक है, प्रिंट प्रीव्यू देखना है, तो आप इसका प्रीव्यू कैसे दिखेगा यहाँ पे जाके देख सकते हैं। प्रिंट प्रीव्यू में ये प्रिंट प्रीव्यू है, प्रिंट ऑप्शन में प्रिंट प्रीव्यू देखो, इस तरह से क्या है आपका पोर्ट्रेट फॉर्म आता है। अब ओरिएंटेशन में अगर मैं लैंडस्केप करूंगा तो मेरा पेज का प्रिंट आउट जो है इस तरह से पोर्ट्रेट लैंडस्केप फॉर्म में निकलेगा। तो ये आपका होता है पोर्ट्रेट और लैंडस्केप। उसके बाद होता है साइज। साइज मीन्स क्या होता है, चूज अ पेपर साइज फॉर द करेंट सेक्शन, टू अप्लाई अ स्पेसिफिक पेपर साइज टू ऑल सेक्शन इन द डॉक्यूमेंट क्लिक मोर पेपर साइजेस, ठीक है। तो अलग अलग साइज के हैं यहाँ पर, लेटर साइज में निकालना है, लीगल साइज में निकालना है, A3 में निकालना है, A4 साइज में निकालना है, A5 साइज में निकालना है, B4, B5, ठीक है, जो भी आपको पेपर साइज में निकालना है आप यहाँ से सेट कर सकते हैं और अपने जो डॉक्यूमेंट है उसको उस पेपर पर प्रिंट निकाल सकते हैं। नेक्स्ट होता है कॉलम। कॉलम्स में क्या होता है, ये वन कॉलम हो गया, ठीक है, टू कॉलम में क्या हो जाएगा, ये जो अपना पेज है वो टू कॉलम्स में डिवाइड हो जाएगा। जैसे मैं क्लिक करता हूँ इसमें, देखो इस तरह से ये क्या हो जाएगा, टू कॉलम्स में डिवाइड हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर साइज से सॉरी कॉलम से आप जाकर इसको टू भी कर सकते हैं, थ्री कॉलम्स में डिवाइड हो गया, ठीक है। इस तरह से आप जो चाहे जिस टाइप का कॉलम चाहे जितने भी कॉलम चाहे वो डिवाइड कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर लेफ्ट है तो लेफ्ट वाले में इस तरह से क्या हो जाएगा आपका डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। और ये क्या है, राइट है, तो हाफ पार्ट जो है वो राइट में चले जाएगा इस तरह से, ठीक है। तो आप अपने डॉक्यूमेंट को इस तरह से कॉलम सेट कर सकते हैं। तो इसको वन में ही रहने देते हैं अपन। नेक्स्ट होता है आपका ब्रेक। ब्रेक में क्या होगा, जैसे कि सपोज यहाँ से हमको ब्रेक देना है तो आप ब्रेक में जाएंगे, ब्रेक में आपका पेज ब्रेक होता है, कॉलम ब्रेक होता है, टेक्स्ट रैपिंग होता है, नेक्स्ट पेज होता है, कंटिन्यू रहता है, इवन पेज रहता है, ऑड पेज रहता है। आप यहाँ से जितने भी पेज ब्रेक है उसका यूज कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे पेज ब्रेक का यूज करूंगा तो ये क्या हो जाएगा, पेज ब्रेक हो जाएगा, मतलब यहाँ से वो नेक्स्ट पेज में चले जा रहा है, ठीक है। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, सेट कर सकते हैं। दूसरा, अगर मैं इसको कॉलम करूंगा तो कॉलम में क्या हो जाएगा, ये नेक्स्ट कॉलम में चले जाता है, ठीक है। उसी प्रकार मैं नेक्स्ट लाइन में, ठीक है, तो लाइन में क्या होता है, एड लाइन नंबर्स इन द मार्जिन अलॉन्ग साइड ऑफ इच लाइन ऑफ द डॉक्यूमेंट। सो इसमें नन होता है, कंटिन्यूस होता है, रिस्टार्ट इच पेज होता है, रिस्टार्ट इच सेक्शन होता है, ठीक है। तो इस तरह से आप नंबरिंग कर सकते हैं, रिस्टार्ट इच, ठीक है। तो ये लाइन नंबर हो गया, आप जितना लाइन नंबर देना चाहते, कंटिन्यूसली लाइन नंबर देना चाहते तो इस तरह से आएगा, ठीक है। नेक्स्ट होता है हाइफनेशन। टर्न ऑन हाइफनेशन विच अलाउज वर्ड टू ब्रेक लाइन्स बिटवीन द सिलेबल्स ऑफ वर्ड्स। तो यहाँ पर आप ऑटोमेटिक कर सकते हैं, इस तरह से ऑटोमेटिक हो गया, देखो चेंजेस हुआ, तो यहाँ पर देखना है, यहाँ पर कुछ चेंजेस होगा। यहाँ पर जैसे मैं ऑटोमेटिक किया, ऑटोमेटिक में ये इस तरह से डिफरेंट हो गया, इधर चेंजेस हो गया, तो इस तरह से क्या होता है, चेंज होता है, ठीक है। मैनुअल मतलब इस तरह से मैनुअल हो जाएगा डिफरेंशिएशन, ठीक है। तो ये आप अपने उससे सेट कर सकते हैं। तो ये तो हमारा पेज सेटअप। पेज सेटअप के बाद आता है हमारा पेज बैकग्राउंड। पेज बैकग्राउंड में क्या होगा, तीन फीचर्स होते हैं, एक वाटरमार्क होता है, एक पेज कलर होता है, एक पेज बॉर्डर होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वाटरमार्क। वाटरमार्क क्या होता है, इंसर्ट घोस्टेड टेक्स्ट बिहाइंड द कंटेंट ऑन द पेज। दिस इज ऑफन यूज टू इंडिकेट दैट अ डॉक्यूमेंट इज टू बी ट्रीटेड स्पेशली सच एज कॉन्फिडेंशियल और अर्जेंट,
ठीक है, अगर कोई हमारा कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट है, हम नहीं चाहते कि सामने वाला थर्ड पार्टी या कोई भी इंट्रूडर जो है वो हमारा डॉक्यूमेंट जो है वो चोरी कर ले, ठीक है, या मिसयूज करें, तो हम क्या करते हैं, वाटर मार्क देते हैं। वाटर मार्क देने से वो हमारा कॉन्फिडेंशियल ही हो जाता है। जैसे कि वाटर मार्क पे क्लिक करेंगे, वाटर मार्क पे जैसे क्लिक करेंगे तो इस तरह से आपका देखो यहाँ पर क्या है, ये डायगोनल बना हुआ है कॉन्फिडेंशियल, यहाँ पे कॉन्फिडेंशियल, हॉरिजॉन्टल बना हुआ है, यहाँ पे डू नॉट कॉपी बना हुआ है, यहाँ पे डू नॉट कॉपी टू बना हुआ है, ठीक है। तो इस तरह से आप कॉपी कर सकते हैं। सपोज अगर मैं इसको फर्स्ट वाले को अगर मैं सेलेक्ट करता हूँ तो इस तरह से कॉन्फिडेंशियल आ जाएगा, ठीक है। देखो यहाँ पर कॉन्फिडेंशियल लिखा हुआ है बट आपको शो नहीं हो रहा है, ठीक है। देखो यहाँ पर ये कॉन्फिडेंशियल लिखा हुआ है। अगर मैं यहाँ पे कस्टम में जाता हूँ, कस्टम वाटर मार्क में क्लिक करूंगा तो थोड़ा सा टाइम ले रहा है। हाँ, इस तरह से क्या होगा, ये ओपन होगा विंडो और यहाँ पे टेक्स्ट लिखेंगे, तो कॉन्फिडेंशियल के जगह आप अगर अपना नाम लिखते हैं, ठीक है, जैसे मैं अपना नाम लिख रहा हूँ नीतीश, और इसका ऑटो जो कलर है इसको मैं ब्लैक करता हूँ, ठीक है, ये डायगोनल रहेगा या हॉरिजॉन्टल आपको पूछेगा, तो आप डायगोनल सेट करो चाहे हॉरिजॉन्टल, डायगोनल में इस तरह डायगोनल ही आएगा। और यहाँ पर आप फॉन्ट भी चेंज कर सकते हो, ठीक है, कोई भी फॉन्ट आप जो अच्छा लगे वो आप सेट कर सकते हो। और यहाँ पे इंग्लिश इंडियन है, ठीक है, साइज ऑटो है 36 दे सकते हो, देन इसको अप्लाई करोगे, सो इस तरह से आपका ये नीतीश यहाँ पे लिखा हुआ है, तो इस तरह से आपका क्या हो जाएगा, हर एक पेज में कॉन्फिडेंशियल हो जाएगा, ठीक है। देखो हर पेज में नीतीश लिखा रहेगा, यहाँ पर भी यहाँ पर नीतीश लिखा हुआ है, मतलब हर एक पेज में आपका क्या हो जाएगा, कॉन्फिडेंशियल हो जाएगा। तो इस तरह से आपका वाटर मार्क सेट हो जाता है। उसके बाद नेक्स्ट जो होता है वो पेज कलर, पेज कलर में आपका पेज कलर जो भी करना है, जो अच्छा लग रहा है इस तरह से आप पेज कलर कर सकते हैं। जैसे मुझे ये कलर अच्छा लग रहा है, ठीक है, तो मैं पेज कलर में क्लिक करके इस तरह से सेट कर दिया, तो ये पेज का कलर जो है वो हर एक पेज का क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। अब आप बोलेंगे ये सर ये वाला कैसे चेंज नहीं हुआ, तो भाई ये इमेज है, ठीक है, इमेज जो है वो कभी चेंज नहीं होता, आपका पेज जो है वो चेंज होता है। अब उसके बाद यहाँ पर पेज बॉर्डर आता है, ठीक है, पेज बॉर्डर में क्या होता है, आपका जो पेज का बॉर्डर रहता है ये किनारे से, ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, चेंज होगा। जैसे मैं पेज बॉर्डर में क्लिक किया, पेज बॉर्डर में क्लिक करने के बाद बॉक्स देना है कि शेडो देना है कि 3D देना है, ठीक है, तो सपोज मुझे शेडो देना है, तो शेडो में क्लिक करके यहाँ पर कलर भी पूछता है, ठीक है, कलर आप किस टाइप का करना चाहेंगे, तो सपोज मैं इस ये कलर सेट कर लिया, ठीक है, पॉइंट मैं 3 पॉइंट रख लिया विड्थ को, ठीक है। अब यहाँ पर मैं ये डॉटेड डेक्स जो भी आप सेट करना चाहते हैं इस तरह से आप सेट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे 3 डॉटेड जो भी अच्छा लगे, चलो मुझे ये अच्छा लगा, और नन में इस तरह का और भी बहुत सारे आर्ट बना रहेगा लेकिन ये बहुत ही ऑड लगता है। सो ये सेट करने के बाद आप जैसे ओके करेंगे तो इस तरह से आपका डॉक्यूमेंट जो है वो सेट हो जाएगा शैडो फॉर्म में, देख रहे हो, तो ये आपके हर एक पेज में सेट हो जाएगा, आपको एक पेज बस में सेट करना पड़ता है, तो ऑटोमेटिकली हर एक पेज में सेट हो जाता है। तो इस तरह से आप पेज बॉर्डर दे सकते हैं, ठीक है। उसी तरह से यहाँ पे पैराग्राफ भी दे सकते हैं, ठीक है, लेफ्ट से कितना चाहिए, देखो लेफ्ट से माइनस होते जा रहा है, ये यूनिट 1 हटते जा रहा है इस तरह से, ठीक है, राइट से कितना देना है ये इस तरह से आ रहा है राइट से, ठीक है, बिफोर इस तरह से ऊपर से आएगा, ठीक है, जहां से आप सेट करना चाहे इस तरह से ऑटो, और ये रहता है 6 जितना आप सेट करना चाहे आफ्टर, ठीक है। तो यहां से आप पैराग्राफ भी सेट कर सकते हो, इंडेंट का और स्पेसिंग का, किसके बीच कितना स्पेस रखना है। सपोज ये वाला लाइन है, इसके बीच मुझे सपोज इतना स्पेस रखना है, ठीक है,
यहाँ पे ऑटो हो गया, नहीं आ रहा है। यहाँ पे देखते हैं स्पेस चेंज करके, तो यहाँ पर भी कुछ ऐसा इफेक्ट नहीं हो रहा है। सो इस तरह से आप पैराग्राफ चेंज कर सकते हैं स्पेसिंग देके, ठीक है। सो मैं इसको अभी कंट्रोल जेड कर देता हूँ। कंट्रोल जेड करने से ये अपने एक्चुअल फॉर्मेट में आ जाता है, जिस फॉर्मेट में रहेगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका कंट्रोल जेड। तो अरेंज में भी क्या होता है, बहुत सारे रहते हैं लेकिन ये इतना ज़्यादा यूज़ नहीं होता, तो मैं इसको स्किप कर रहा हूँ। उसके बाद नेक्स्ट हम रेफरेंस ये देखेंगे। इसमें भी ज़्यादा यूज़ नहीं होता हमारे डॉक्यूमेंट में। मेलिंग होता है, मेलिंग में आप मेल मर्ज भी कर सकते हो, एनवलप भी तैयार कर सकते हो, लेबल्स भी बना सकते हो, ठीक है। रिव्यू, इसमें आप पासवर्ड प्रोटेक्टेड कर सकते हो अपने डॉक्यूमेंट को। रेस्ट्रिक्ट फॉर्मेट एडिटिंग, अनरेस्ट्रिक्ट, रेस्ट्रिक्टेड एक्सेस, इस तरह से आप चेंज कर सकते हैं, ठीक है। और इसमें स्पेलिंग, ग्रामर वगैरह चेक कर सकते हो, ठीक है। ट्रांसलेट, मतलब बहुत सारे फीचर्स दिए गए हैं वर्ड में, तो आप इसमें से जो भी अच्छा लगे आप इसमें से दे सकते हो। तो ये हमारा MS Word 2007 डॉक्यूमेंट कैसे क्रिएट करते हैं और उसके सारे फीचर्स हमने कवर कर लिए। सो नेक्स्ट वीडियो में हम MS Access के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच।